हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं राजस्थान की देसी सब्जी, जिसे सभी खाना बहुत पसंद करते हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं केर सांगरी की सब्जी। इस सब्जी को हम आपको सादी या होटल स्टाइल में बताएंगे, सिंपल तरीके से हम फिर कभी शेयर करेंगे आपके साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाने स्टार्ट करते हैं केर सांगरी की स्पेशल सब्जी। तो देखिए, हमने हाई फ्लेम पर कढ़ाई को गर्म कर लिया। कढ़ाई के अंदर 2 चम्मच घी डाल देंगे। घी को गर्म होने के बाद इसमें 4 से 5 बादाम और 7 से 8 काजू को हम फ्राई कर लेंगे। इन दोनों को 1 मिनट तक फ्राई करना है हमें। काजू और बादाम को 1 मिनट तक फ्राई करने के बाद हम इसमें 15 से 20 किशमिश डाल देंगे। किशमिश को फ्राई करने में हमें आधा मिनट लगेगा। इन सबको फ्राई होने के बाद एक प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट में निकालने के बाद ठंडा होने पर बारीक पीसेस कर लेंगे। थोड़े से ही हमने यहाँ पर खड़े मसाले ऐड किए हैं। खड़े मसालों में हमने 2 इलायची, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 8 से 10 काली मिर्च, 4 से 5 लौंग और 1 बड़ी इलायची ऐड की है। इन खड़े मसालों में अगर कोई सा आपके पास में अवेलेबल नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इन सभी खड़े मसालों को हल्का सा कूट लेंगे हम खरबंडे के अंदर। देखिए, आपको इस तरह से दरदरा सा पाउडर बनाना है इन सबका। अब हम केर सांगरी की सब्जी के लिए अपना पेस्ट रेडी कर लेते हैं। इसके लिए हमने 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। अदरक लहसुन के पेस्ट के अंदर हमने 2 चम्मच नमक का डाल दिया है। नमक आप एज पर टेस्ट डाल सकते हैं। 3 छोटी चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर का ऐड किया है। एक छोटी चम्मच हमने हल्दी पाउडर डाल दिया। 1 छोटी चम्मच रोस्टेड जीरा पाउडर डाल देंगे और 3 छोटी चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। ये सभी मसाले आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अंदर पानी डालकर एक पेस्ट रेडी कर लेंगे। थ्री फोर्थ बाउल हमने केर के ऐड किए हैं। इसे राजस्थानी भाषा में टीट भी बोलते हैं। ये आसानी से ही रेडी किए हुए आपको मार्केट में मिल जाएंगे। फिर भी अगर आपको रेडी किए हुए मार्केट में नहीं मिले तो आप कच्चे केर लाकर घर पे किसी बुजुर्ग महिला जैसे आपकी सासू माँ या माँ से पूछ सकते हो इनको रेडी कैसे किया जाता है। ये केर मैंने घर पे ही रेडी किए थे अपनी सासू माँ से पूछकर। अगर आपको इसकी रेसिपी जाननी है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं डाल दूंगी। इन केरियों को हमने धूप में रखकर रेडी किया है। इनको उबालने की आवश्यकता भी नहीं होगी हमें। हमने यहाँ पर छोटी साइज के केरी लिए हैं। अगर आपको बड़ी साइज के पसंद है तो आप वो भी ले सकते हैं। 250 ग्राम के करीब हमने सांगरी ली है। इनको हमने 1 सीटी आने तक उबाल लिया। ये सांगरी हमने हमारे खेत से तोड़ करके लिए हैं, जिनको हमारी सासू माँ ने रेडी करके दिया है हमें। लेकिन आपको ये मार्केट में आसानी से ही मिल जाएंगी। मार्केट में आपको सूखी और गीली दोनों तरह की सांगरी मिल जाएगी। सूखी हुई सांगरी की सब्जी कैसे बनाई जाती है वो हम फिर कभी शेयर करेंगे। सेम कढ़ाई के अंदर हम 5 से 6 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल ले सकते हैं। बाकी के खड़े मसालों में हमने 2 सूखी लाल मिर्च, 1 चम्मच खड़ा धनिया, 1 चम्मच सौंफ, 1/4 टीस्पून हींग, 1 चम्मच जीरा और 3 तेज़पत्ता लिए हैं। तेल को गर्म होने के बाद हम इसमें जीरा डाल देंगे। जीरा को हल्का सा चटकने के बाद हम इसमें सारे खड़े मसाले डाल देंगे। इन मसालों को हम आधे मिनट तक फ्राई कर लेंगे। थोड़ी सी हमने यहाँ पर सब्जियाँ ऐड की हैं, जिनको हमने फाइनली चॉप करके लिया है। सब्जियों में हमने 2 हरी मिर्च, 2 मीडियम साइज के प्याज और 2 टमाटर लिए हैं। यहाँ पर हम हरी मिर्च और प्याज को डाल देंगे। हरी मिर्च और प्याज को हम आधा मिनट तक पका लेंगे। यहाँ पर हमने हाई फ्लेम रखा है। अब इसमें हम कुटा हुआ खड़ा मसाला डाल देंगे। इसको भी अच्छे से मिला लेंगे।
इन सबको आधा मिनट तक पकाने के बाद हमने जो मसाला रेडी किया था वो डाल देंगे। इस मसाले के अंदर हम 4 से 5 बड़े चम्मच पानी डाल देंगे। इस मसाले को हमें सरफेस आउट होने तक पकाना है। मसाले को थोड़ा सा पकने के बाद हम टमाटर डाल देंगे। टमाटर को हमें सॉफ्ट होने तक पकाना होगा। मसाले को सरफेस आउट होने के बाद हम इसमें सांगरी डाल देंगे। हाई फ्लेम पर मसाले को सरफेस आउट होने में हमें 2 मिनट का वक्त लग गया। सांगरी के साथ ही हम केर भी डाल देंगे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। यहाँ पर हमें सब्जी कुछ ज़्यादा ही ड्राई लग रही थी, इसलिए हम 3-4 चम्मच पानी का ऐड कर देंगे। इसके बाद हम आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच आमचूर पाउडर और 1 चम्मच चीनी डाल देंगे। चीनी डालने से हमारी सब्ज़ी मीठी मीठी सी बनेगी, जिससे उसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। फिर भी आप चाहें तो चीनी को स्किप कर सकते हैं। इसके बाद फाइनल स्टेप में ड्राई फ्रूट डाल देंगे। यहाँ पर सब्जी रेडी हो चुकी है। इसको मैं मेरी प्यारी सी कढ़ाई के अंदर सर्व कर लेती हूँ। देखिए हमारी सब्जी यहाँ पर लग रही है ना, एकदम होटल और शादी स्टाइल की। एक बार इस तरीके से आप बनाइएगा, आप एक बार खाएंगे तो इसके फैन हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस सब्जी को देखकर आ गया होगा ना डेफिनेटली मीठा पानी। आप भी एक बार इस तरीके से बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए, और अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, जिससे हमें पता चल सके कि आपको हमारी रेसिपीज कैसी लग रही हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई रेसिपी के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।